खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। राजस्थान के भरतपुर में रूपवास के चकसामरी व तेज नगर में घटित शराब दुखांतिका के 3 मुख्य आरोपियों को भरतपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। 12,48,300 रुपए बरामद किए तो वही 353 पौवा अवैध देशी शराब, एक वेन्यू कार UP 80FP 70285, मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, मैं चार्जर, एक बारकोड लेवल मशीन, 2 ब्लैकिंग रिबन रोल, 5 बारकोड लेवल रोल, 40 लीटर स्प्रिट, 6 खाली ड्रम तथा 1 आरओ मशीन जब्त। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के अनुसार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से शराब तैयार कर राजस्थान के सीमावर्ती थानों के गाँव में चोरी छिपे शराब कम कीमत पर बेचते थे ये आरोपी। राजस्थान निर्मित शराब महंगी होने के कारण लोग सस्ती शराब के चक्कर में इस तरह की अवैध शराब खरीद कर करते हैं सेवन। गिरफ्तार नरेंद्र गुजर घटना से पूर्व चकसामरी के 3 लोगों को 5 पेटी अवैध शराब गया था डालकर, तो वहीं गिरफ्तारी सतवीर ठाकुर व उसका लड़का नरेश अन्य सहयोगियों के साथ अवैध रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश ब्रांड की देशी शराब भारी मात्रा में तैयार करते थे सप्लाई। तो वहीं जिला मथुरा के थाना बलदेव अंतर्गत गांव नहरा में धर दबोचा। दिनांक 13 जनवरी को जो दुखद घटना घटी रूपवास कस्बे में, उसमें 7 व्यक्तियों की जान गई। वे कई आदमी जो है बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इलाज चला, जारी इलाज रहे, जिस पर श्रीमान IG भरतपुर के निर्देशानुसार टीम गठित की गई। एडिशनल SP ADF, CO बयाना, SHO रूपवास बयाना चिकसाना, इन सब की एक टीम गठित कर इसको जो है निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। और जिन्होंने जो लोकल शराब बेचने वाले थे, जो संतोष नाम का आदमी था और सुंदर थे, उन दोनों से पूछताछ की गई। तो सुंदर ने यह बताया कि मैंने जो है अमुक अमुक व्यक्ति से, नरेंद्र नाम के व्यक्ति से, जो कि यूपी के जगनेर इलाके का रहने वाला है, वो माल डाल कर गया था, जिस पर उधर के अधिकारियों से मैंने बात की और वहाँ की लोकल सपोर्ट लेकर हमारी टीम ने कार्रवाई की। और उस कार्रवाई के चलते जब नरेंद्र आया तो उसने आगे फर्दर लीड दी कि सर अमुक अमुक व्यक्ति, जिसमें सतवीर सिंह पुत्र भोगीराम जाति ठाकुर निवासी मंगूरा और उसका पुत्र नरेश, ये दोनों जो है शराब स्पिरिट से बनाकर सप्लाई देते हैं, उनकी सूचना पर और लोकल पुलिस की मदद से इनको उठाया गया। इनकी जब तलाशी ली गई तो वहाँ पर स्पिरिट बनाने वाले जो है ड्रम, खाली ड्रम, स्पिरिट और मार्क लगाने वाले, बारकोडिंग लेबल लगाने वाले मशीनें, कंप्यूटर इत्यादि बरामद हुए, जिससे पुष्टि हुई कि ये जो अवैध शराब थी इनके द्वारा निर्मित की गई थी और वो जो सप्लाई आई थी उससे हमारे लोगों की जान गई थी। उसमें जो मिथाइल अल्कोहल से स्पिरिट से बनाते हैं, तो स्पिरिट में क्या होता है कि मिथाइल अल्कोहल मिलाया होता है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो, और मिथाइल अल्कोहल जहरीला सब्सटेंस है। अभी क्या करते हैं कि मात्रा जो है अपने अनुपात में लगाते हैं, 1:50 की उसके मुकाबले स्पिरिट है वो मिथाइल अल्कोहल होती है, और मिथाइल अल्कोहल का कोई ये क्या करते हैं कि कम मात्रा में उसको डालते हैं, तो कम मात्रा में तो क्या वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है, तो वो क्योंकि और उसमें तत्व मिले हुए होते हैं और अल्कोहल हल्का होता है तो एक नशा दे देता है, लेकिन जैसे ये मात्रा गड़बड़ा जाती है तो मिथाइल अल्कोहल शरीर में जाते ही जैसे एसिटाल्डिहाइड बनता है, इथेनॉल से इसे फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड इतना जहरीली सब्सटेंस है कि वो एकदम आदमी के जो है हीमोग्लोबिन से मिलके और उसकी सांस और उसकी आई साइट को ख़त्म करता है। उसका प्रभाव बहुत जल्दी आता है, 12 घंटे के अंदर अंदर आदमी के अंदर लक्षण पूरे आ जाते हैं। तो
कितने लोगों को ये तीन जो पकड़े हैं इनके अलावा इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि ये शराब का कोई ठेकेदार या आपका ये वाकई को मिली भगत की वजह से ये लोग उनको सेंड मिल रही थी या कुछ इस तरह का नहीं ये अब ये आगे इनसे वर्कआउट करेंगे कि इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है ये एक ग्रुप में कर रहे हैं काम छोटे हैं इनको पीछे से कोई शय है या नहीं है वो यूपी पुलिस को भी हमने पूरा अवगत करा दिया है वो भी अपने स्तर पे इसकी और जानकारी लेंगे क्योंकि उनके एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से इन्होंने बनाकर ढली है तो ये जो चीज़ हमारे पास सामान मिला उससे हमें ये पुष्टि होगी कि ये जो चीज़ इन्होंने बनाई थी ये तो हमारे जो ढली थी यहीं बनी थी और जो बार कोड मशीन है प्रिंटर है और जो स्पिरिट है खाली ड्रम भी मिले हैं तो सर ऐसा कई बार पकड़ा गया है सामान अपनी पुलिस ने कई बार कार्रवाई की है लेकिन थोड़ी बहुत कार्रवाई करके तो तीसरी कर जाती है भरपूर शहर में चार तरफ शराब बिक रही है सर उस पर क्या कार्रवाई करेंगे देखिए इस मामले में हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है जो अवैध शराब है इसके लिए हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इस मामले में केवल खानापूर्ति नहीं की जाएगी इसको सही लेवल तक इसको टेकअप किया जाएगा और कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी इस घटना को राष्ट्र सरकार बड़ी गंभीरता से लिया इस मुद्दे को लेकर राजस्थान में अभियान चलाया जा रहा है शराब को लेकर तो भरतपुर जिले में इस घटना के बाद में कितनी जगह तपिश दी और कितनी शराब अब तक अवैध को हम बरामद कर चुके हैं आंकड़े मैं आपको दे दूंगा क्योंकि पिछले चार दिन से लगातार जिले में हजारों लीटर जो है वॉश जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है और कई जगह जो है अवैध ब्रांचेज जो चल रही हैं उनमें कार्रवाई करके हजारों पौवे जो है वो बरामद कर और मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं तो वो आंकड़े तो मेरे पास अभी आ जाएंगे आपको मैं दे दूँगा सर इस मामले में चार सवाल है मेरे ऐसा है कि पहली बात तो पहला सवाल आपका क्या रहा दबिश कहाँ कहाँ दबिश तो जो हमारे जो यहाँ लोकल ठेकेदार थे उनकी जो सूचना मिली थी और जैसे आपके मथुरा और आगरा दोनों जगह जिनके जो अड्डे थे जो इनके निवास स्थान थे जहाँ ये सो कॉल्ड बता रहे थे कि यहाँ हमने सूचना दी यहाँ बनाते हैं तो वहाँ सब जगह लोकल पुलिस की सहयोग से दबिश दी गई और उसी दबिश पर ही हमारे को दस्तयाब हुए और ये गिरफ्तार किए जा सके और जो सामान मिला वो भी वहीं पर ही जहाँ इन्होंने बताया उन्हीं जगह पर मिला अब ये बनाई जा रही है इसका क्या फार्मूला है ये तो कोई फार्मूला नहीं है केवल शराब का जो अवैध शराब के दो ही तरीके हैं या तो हथकड़ है या दूसरी जो है मिथाइलेटेड स्पिरिट है स्पिरिट की मात्रा ये जो है क्योंकि वो स्पिरिट कई आती तो काम अपने दूसरे क्लिनिकल पर्पज़ के लिए आती है लेकिन उसका दुरुपयोग तो दुरुपयोग को रोकने के लिए पहले नीला तोता मिलाते थे तो नीले तोते को तो निकाल देते थे अब क्या किया सरकार ने उसमें मिथाइल अल्कोहल मिला के ताकि वो कंजम्पशन के लायक ना रहे लेकिन लालच बुरी बला है उसके चलते ये उसको डाइल्यूट करके क्योंकि सस्ती पड़ती है और उससे जो है ये बोतलें भर के भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट आज की खबरों में इतना ही बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।